नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। और हम बात कर रहे हैं कृषि आंदोलन की। 3 दिन पहले लखनऊ से संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, किसान नेता, उन्होंने मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड को लॉन्च करने की बात कही। उत्तराखंड की बात करें तो उसमें तमाम ऐसे ज़िले हैं जो कुछ पहाड़ी इलाके भी हैं और कुछ तराई इलाके भी हैं, और ऐसे में जो वहाँ के किसान हैं वो इन 3 कृषि कानूनों को कितना समझ रहे हैं, क्या है उन्हीं ज़रूरत, वो क्या चाहते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को समझने के लिए तफसील से समझते हैं। हमारे साथ हैं तजिंदर वर्क जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं तराई किसान संगठन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है तजिंदर जी इस चर्चा में। नमस्कार। सबसे पहला यही सवाल कि अब जब मिशन उत्तराखंड की बात हो रही है, तो मिशन उत्तराखंड में तो ऐसे तमाम इलाके आते हैं, मैं कहूँ तो जो पहाड़ी इलाके भी इसमें काफ़ी आते हैं, और अगर हम पहाड़ी इलाके में जो किसान हैं उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनका वो जुड़ाव नहीं हो पाया है इस किसान आंदोलन से, जबकि 145वां दिन है मैं बात करूँ तो, और 8 महीने बीत चुके हैं। 26 नवंबर से जो ये आंदोलन शुरू हुआ था बॉर्डर्स पर, अब 26 अगस्त भी जो है, माफ़ कीजिएगा, 26 जुलाई बीत चुका है, और अब किसान जो हैं अपनी ही संसद लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे, जो कि उसे लेकर जो संदेश वो दे रहे हैं, 3 कृषि कानून पर जो तफसील से गहन चर्चा हो रही है उसको लेकर वो आप नेताओं के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे और जनता के पास भी जाएंगे। सबसे पहले मिशन उत्तराखंड क्या चाहते हैं किसान? धन्यवाद नीता जी, आपने इस मुद्दे, एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा की है। तो अभी मैं आपको याद दिला दूं कि 145 माने 245 जी, माफी चाहूंगी, 245वां दिन जी हो चुके हैं। और जो मिशन उत्तराखंड की बात आपने कही, मिशन उत्तराखंड नहीं, मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है इसका नाम, और ये हमारा लेट हो गया लगभग 2 महीने कोविड की वजह से, क्योंकि जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद हमारा जो लक्ष्य था वह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर आंदोलन को तेज करने के लिए हमने इसे नाम दिया है मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अच्छा। और जो आपने अभी संसद की बात कही, शायद अभी तक सांसदों को या विधानसभा के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको एक सिस्टम से व्हिप जारी होता था, लेकिन पहली बार किसानों ने व्हिप जारी किया है देश के सांसदों को कि अगर आप लोग संसद के अंदर किसानों के मुद्दे पर प्राथमिकता के तौर पर सदन चले तो उसपे किसानों पर चर्चा होनी चाहिए। ये व्हिप था किसानों की ओर से सभी पोलिटिकल पार्टियों को, और पॉलिटिकल पार्टियों को ये एक हिदायत भी है कि अगर आप लोग इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं करेंगे और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो फिर आने वाले समय में किसान संयुक्त मोर्चा और किसान नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह जैसे रुख है उस पर हमें पॉलिटिकल पार्टी के प्रति भी अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा अगर हमारे किसानों की बात पॉलिटिकल पार्टी आज सदन के अंदर नहीं उठाएंगे। विषय एक। अब विषय दूसरा ये है जो आपने अभी कहा कि उत्तराखंड के अंदर किस तरह से आप लोग जो है जो मुद्दे हैं पहाड़ के और प्लेन के, क्योंकि एक विषम परिस्थितियां हैं यहाँ पर, क्योंकि 13 जिलों में लगभग 11 जिले या 10.5 जिले पहाड़ के हैं और 2.5 जिले प्लेन के हैं जी। प्लेन के किसानों की समस्या उत्पादन अलग है, गेहूं चावल और गन्ना प्रमुखता से विशेष यहाँ की जो फसलें हैं और जिसको लेके किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन पहाड़ के अंदर स्थितियां दूसरी हैं। पहाड़ में मुख्यतः मंडुआ की खेती एक बहुत प्रचलित खेती है और उस मंडुआ की खेती के जो दाम है वहां के किसानों को नहीं मिलते, और वहां पे फल है, पहाड़ के अंदर बहुत सारे बाग बगीचे हैं और दूसरा वहां पर सब्जी है जी। तो ये सारी चीजें जो है इनके लिए पहाड़ के अंदर जो मंडीकरण होना चाहिए था, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पहाड़ में पिछले राज्य बनने के बाद जो उम्मीद थी कि पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर पलायन रुकेगा, वहां की खेती होगी और वहां पे जो खेती जो नालियां हैं बहुत सीमित खेतियां हैं पहाड़ के अंदर, किसी के पास 10 नाली है, किसी के पास 20 नाली है,
तो वहां के किसानों की समस्या प्लेन के किसान से अलग है बिल्कुल। और जो आपने बात कही कि कैसे आंदोलन से जोड़ पाएंगे इन लोगों को, तो ये बात सही है, क्योंकि जब तक जिस जो व्यक्ति प्रभावित है उसकी मुद्दे को अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो किसान आंदोलन के साथ नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के अंदर, जहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हम छोटे छोटे संगठनों से एक पूरा मोर्चा बना रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर भी हमारा पर्वतीय जो जनपद है उन जनपदों के तमाम जो अलग अलग किसान नेता हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या है पहाड़ की वो जल जंगल और जमीन की है। जल जंगल जमीन जो है उसके लिए बहुत सारे नेताओं ने पहाड़ के अंदर पिछले कई दहाकों से आंदोलन करते आए हैं कि हमें हमारे जंगल बचने चाहिए, हमारी जमीन बचनी चाहिए और जल भी बचना चाहिए। और उन लोगों से हम संपर्क में हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में है वो भू कानून को लेकर बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। शायद आपकी जानकारी में है कि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की सरकार ने कारपोरेट को खुली छूट दे दी कि पर्वतीय जनपदों के अंदर उद्योग लगाने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैदानी क्षेत्र के अंदर एक सीमा है, एक लिमिट है कि कोई व्यक्ति बाहर से जमीन नहीं खरीद सकता, और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अगर खरीदनी है तो उसका लैंड यूज चेंज करने के लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन पहाड़ पर खुली छूट देने के बाद वहां की खेती को खत्म करने का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ तमाम नौजवान मुखर भी है इस मुद्दे को लेकर। तो एक तो भू कानून जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर हम तमाम जनपदों में हमारी वार्ता भी हुई है, और आगामी कुछ दिनों के अंदर पर्वतीय मैदानी जो कि दो यहाँ पर एक अल्मोड़ा कुमाऊ क्षेत्र है और गढ़वाल क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है उत्तराखंड, तो इन सबसे चर्चा करेंगे बैठकर उन मुद्दों को, और उनको लेकर उन समस्याएं जो पहाड़ के लोगों की है, वहां पे दूध की किसान है जिनको पूरा पर्याप्त दाम नहीं मिलते, फल की मंडी ना होने की वजह से जो पूरे रेट मिलने चाहिए हिमाचल की तरफ, जब राज्य बना था जी। तो उस समय भी बहुत बड़ी समस्या थी, हमने कहा था कि जिस तरह हिमाचल राज्य बनने के बाद वहां पर वहां का सेब को पूरे देश के जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर सेब हिमाचल का बिकेगा, एक समझौता हुआ, लेकिन उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के फल बागान जो है तमाम उनको लेकर कोई नीति अभी तक प्रदेश की सरकार से नहीं बनी, और मंडी की व्यवस्था नहीं है, फूलों की बहुत बड़ा एक जो हमारा नौजवान है उस खेती को लेकर बहुत सारे पॉली हाउस की स्कीमें जो सरकार की है वो खाली हवा हवाई एक कागजों में रहकर और एक सब्सिडी लेने तक सीमित रह गई, उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई पर्याप्त ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुआ। तो समस्याएं उत्तराखंड के किसानों की जो है उसे लेकर हम बैठक करेंगे और उनको जोड़ेंगे, और संयुक्त मोर्चे के जो हमारे कार्यक्रम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट तीन कानून है, इन तीन कानून में जो सबसे अहम मुद्दा है पहाड़ के लिए जो चिंता का विषय है वो पहाड़ का 80% जो जनपद है ऊपर के 11 वहां पे 90% लोग जो है वो पीडीएस पर आश्रित है जी। उनकी जीविका पीडीएस से चलती है। अगर इसी वस्तु अधिनियम है जो तीसरा कानून जी। यह कानून अगर अस्तित्व में आ गया और इसे अगर सही से सिस्टम में आ गया तो ये पीडीएस सिस्टम खत्म होकर अडानी अंबानी के हाथों चला जाएगा, तो उससे ज्यादा अगर प्रभावित होगा उत्तराखंड में तो हमारे जो परिवार हैं दूर दराज में और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर हैं वहां पर सबसे बड़ा समस्या उनके सामने जो राशन की है, राशन प्रणाली है वो खत्म हो जाएगी, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये जानकारी अभी तक उन लोगों तक पहुंचाना या गांव तक किसान आंदोलन को पहुंचाने की जो आपने कहा कि कैसे पहुंचेंगे कैसे जुड़ेंगे, तो हमारा जो अगला मिशन है उस मिशन के अंदर हम इसको जनपद पर लेके जाएंगे, जनपद से ब्लॉक पर लेके जाएंगे, ब्लॉक से गांव तक लोगों को ये सारी चीजें उनसे जोड़ेंगे, और किसान आंदोलन के जो छोटे छोटे संगठन हैं लगभग उत्तराखंड के अंदर भी 25 से 30 ऐसे संगठन हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको सबको एक मंच पर लाएंगे। तो जैसा कि मैं समझ सकती हूँ आपने अपनी बातों में, ये जो तीन कृषि कानून है, मैं दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, एपीएमसी मंडी बाईपास एक्ट जो कहा जा रहा है जैसे किसान इसे बोल रहे हैं, दूसरा है ठेका खेती, और तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम। अगर जो ये तीनों आपने एक एक करके अपनी बातचीत में ये झलका कि अगर मंडियां नहीं है पहाड़ों में तो कहीं ना कहीं उनको उसका प्रभाव भी नहीं पता, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में एक विकसित सिस्टम है, तो शायद यही कारण है कि पहाड़ के लोग
उनमें शायद थोड़ी जागरूकता की कमी है या फिर मंडियां उस तरह से विकसित नहीं है, तो उनके पेट पर सीधे लात नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित नहीं है और इसीलिए शायद इस आंदोलन में वो उतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मगर जैसा आपने बोला कि लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, दूसरी बात मैं आती हूँ कि आपने बोला वहाँ पे जो आबो हवा है पहाड़ों की, फल और फलों की खेती, फूलों की खेती, तो ऐसे में तो कितने ही किसान ठेका खेती कर रहे होंगे। मगर जब ये कानून आ जाएंगे तो कॉरपोरेट्स की एंट्री लेजिटिमेट हो जाएगी, लीगल तरीके से होगी, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ के जो किसान हैं उन पर कुछ असर पड़ सकता है? क्योंकि पहले ही पंजाब में हमने देखा है कि किस तरह से आलू पेप्सिको वाला जो मामला था, गुजरात में, पंजाब में भी इस तरह के ऐसे तमाम स्टोरीज हैं जिसकी वजह से किसानों के मन में डर बैठा हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उदाहरण जो है पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर तो लोगों ने देख लिया है, इसका प्रैक्टिकल भी हुआ है और कंपनियों ने किस तरह से जो है किसानों को छला है। लेकिन पर्वतीय राज्य के अंदर जो हमारे फल सब्जी की बात आप कह रहे हैं, पर्वतीय होना चाहिए था, जो सरकार को अभी तक जो सबसे फेलियर उत्तराखंड की सरकार का है कि जो लगातार पिछले 21 साल के अंदर जो किसान था पर्वतीय क्षेत्र का, उनको मूलभूत जो उनको बेसिक चीजें मिलनी चाहिए थी, उनके फल सब्जी का आज कहीं मंडी नहीं है पहाड़ के अंदर, फूल की मंडी नहीं है। फूल अगर कोई उपजा रहा है, फूल की खेती कर रहा है, तो उसे दिल्ली उसकी मंडी है। और सरकार पिछले 5 साल से रुद्रपुर के अंदर ऊधम सिंह नगर में एक पत्थर लगा हुआ है, 5 साल हो गए उस मंडी को, मंडी जो है कुमाऊं की मंडी बन रही थी कुमाऊं के द्वार पर, यहाँ के फल सब्जी और यहाँ के जो पहाड़ के लोग हैं उनके लिए एक स्थान ऐसा होगा जहां से उनको उचित दाम मिले, तो ऐसा कहीं नहीं है पूरे उत्तराखंड के अंदर। तो कारपोरेट को जो कहा, कारपोरेट कैसे जहां पलायन हुआ है, सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में लगभग 50% पलायन करके आज बहुत सारे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिन गांव के अंदर एक व्यक्ति नहीं बचा जी, बहुत सारे गांव के अंदर ताले लगे हुए हैं घरों के ऊपर, वो गांव खाली हो गए क्योंकि तो रोजगार नहीं है, खेती के लिए संसाधन नहीं है, खेती का अगर कर रहे हैं तो उनको उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। ये सरकारें दावा करती रही जी। लेकिन धरातल पर उनको जो मिलना चाहिए था वो चीजें नहीं मिली, इसलिए गांव के गांव प्लान कर रहे हैं। और अगर ठेका खेती आ गई तो ठेका खेती के चलते जो थोड़ा बहुत पहाड़ के अंदर बचा गांव खलियान है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जब पहाड़ का खलियान और गांव का खेत खत्म हो जाएगा खेती, तो ये सीमांत प्रदेश भी है चाइना से लगता हुआ, ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए सरकारों को जहाँ कॉरपोरेट को क्षेत्र के अंदर तो अलग नीति होनी चाहिए, पर क्षेत्रों के सरकार को अलग से बजट एलोकेट करना चाहिए और पहाड़ के लोगों को अलग सब्सिडी का एक प्रावधान होना चाहिए। ये सारे मुद्दे पहाड़ के लोगों के हैं जिसको लेकर हम आज तो ये 3 कानून आए हैं, लेकिन इससे पहले भी लगातार ये लड़ाई रही है कि पहाड़ की आज मंडुआ की खेती बहुत स्तर पर सरकार रेट तो घोषित करती है, लेकिन मंडुए को कितनी खरीद करती है ये आंकड़े सरकार नहीं बता सकती, सिर्फ कागजों के अंदर है। तो ऐसी समस्याएं हैं, तो कॉरपोरेट जहां आएगा उससे पहाड़ के नौजवान को और पहाड़ के जो पुराने लोग हैं वो प्लान करेंगे, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम इस उत्तराखंड के तमाम लोगों के जो जानकारियां नहीं है, जो उदाहरण है पंजाब हरियाणा को, उनको लेकर गांव तक जाएंगे जी। अभी पीछे मैं पहाड़ों में ही थी, नैनीताल जिले के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो किसान हैं उनसे जो मेरी प्रत्यक्ष तौर पर आमने सामने बातचीत हुई, तो उनका यही कहना था कि हम तो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं और हम अगर किसान आंदोलन में जाएंगे तो हम क्या कमाएंगे, हमारी तो वैसे ही यहाँ खेती चौपट है, जिन इलाकों में खेती होती है वहाँ बंदरों का और वाइल्ड एनिमल्स का बहुत आतंक है, तो कुल मिला के वो काफी परेशान लग रहे थे। तो ऐसे में आपका कहना ठीक है कि एक अलग से पर्वतीय इलाकों के लिए कुछ एक अलग नीति ध्यान करके उसको गठित करना होगा ताकि वहाँ के किसान जो है अपनी खेती ना छोड़े। वहाँ पर एक और आकर्षक जो रोजगार का तरीका है वो है पर्यटन, अब कोरोना काल में उस पर काफी असर भी पड़ा, तो आपको क्या लगता है कि पर्यटन की ओर जो युवा वर्ग है वो आकर्षित हो रहा है और जो वहाँ के लोग हैं वो जो अपनी
पारंपरिक खेती है और जो पारंपरिक फसलें हैं, हम एक तरफ जैव विविधता की बात करते हैं मगर जो पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में जो बढ़िया मोटा अनाज और जो तमाम तरह की वहाँ की स्थानीय फल सब्जियां हैं, हम उनसे कहीं ना कहीं युवाओं को दूर नहीं ले जा रहे हैं इस तरह की, अगर जो नीतियां ही वहां मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, आपने बहुत बड़ा सवाल अच्छा किया कि कोविड की समस्या पिछले साल आने के बाद जो नैनीताल और पूरा उत्तराखंड लगभग है, यहाँ पर चार धाम की यात्रा है या पर्यटकों की यात्रा है, तो उत्तराखंड का लगभग 70% नौजवान है उसकी जीविका इस देश में पर्यटकों पर आधारित रहती है। और पिछले साल ये बहुत बड़ी हमने लोगों के अंदर देखा कि जो उनके सामने खाने का संकट था, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं एक पीडीएस सिस्टम देकर लोगों को जो अनाज मुफ्त में देकर एक उनकी जीविका चलाने का तो प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे उनकी शिक्षा को लेकर जो बड़ा सप्ताह है, शिक्षा के जो स्कूल थे कहीं कोई फीस सेट नहीं, तो ये बहुत सारे खर्चे हैं परिवारों के जो फीस भी देनी पड़ी स्कूलों की, क्योंकि बंद स्कूल में फीस जाती रही, तो ऐसे तमाम जो दैनिक रोज के खर्चे हैं वो है। लोग पर्यटकों से पूरा साल, 2 महीने का उनका 3 महीने का जो सीजन है, उस सीजन से वो पूरे साल भर बच्चों की फीस देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, शादी ब्याह करते हैं और पूरा जीवन चलाते हैं। लेकिन एक अनाज खाने से दे देने से जीवन नहीं चलता, खाने के अनाज से पेट तो भर लेंगे लेकिन और बहुत सारे जो दवा है और जो शिक्षा है या और जो चीजें हैं उनका जो भरपाई वो अपने रोजगार से करते हैं। लेकिन सबसे जो आपने अहम सवाल किया कि अब पिछले 2 साल लगातार जो पर्यटक प्रभावित हुए उससे नौजवानों के सामने जो संकट आया है उस पर सरकार की कोई नीति नहीं है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के अंदर अगर सरकार पर्यटकों के लिए भी, ये राज्य बहुत अच्छा एक अवसर था लेकिन पर्यटकों के लिए विकसित नहीं कर सके, नौजवानों को रोजगार सरकार नहीं दे सकी। और दूसरी ओर दूध का बहुत बड़ा, जहाँ जैविक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं लगातार, एक सरकार भी प्रयास कर रही है कि जैविक खेती होनी चाहिए, जैविक फल, जैविक फल और सब्जियां और अनाज उत्पादन होना चाहिए, तो पहाड़ के अंदर बहुत बड़ा एक इस पर्वतीय क्षेत्र में जैविक दूध और जैविक फल का बहुत बड़ा एक मंडी है, लेकिन उसे विकसित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अगर पहाड़ के अंदर दूध का जो हमारे सोसाइटियां हैं, जो जितनी भी सोसाइटी हैं उन पर दूध को अगर सही दाम मिले और दूध को बढ़ावा दिया जाए खेत किसान को, तो वहां ऑर्गेनिक दूध बड़े मात्रा में उत्पादन हो सकता है और उसका लाभ, उसका अच्छा रेट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो उत्तराखंड के लोगों को जोड़ने के लिए हो सकती हैं, इसके लिए किसान के लिए हमें चिंता करनी है। और इस आंदोलन से हमें, जहां आंदोलन पंजाब हरियाणा से बढ़ता हुआ देश के अंदर जा रहा है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग किसानों की अलग अलग समस्या है। जहां तटीय क्षेत्रों के अंदर मछुआरों की समस्या है, आंध्र में, केरल में, वहां पर मद्रास के, चेन्नई के अंदर, और कहीं पर अलग खेती है, गन्ने की खेती की अलग समस्या है, आलू की किसान की अलग समस्या है, और इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भी जो हमारे किसान हैं उनकी अलग समस्या है। तो ये आंदोलन खाली महज एक राज्य के एक फसल या 2 फसलों पर आधारित लोगों का नहीं है, ये देश के खेती किसानी की जो एक मूलभूत हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को खत्म करने के लिए बड़ा इस एक कारपोरेट के साथ ये सदी का एक सिस्टम को बदलने के लिए, जो यूरोपीय कंट्रियों के अंदर आज से लगभग 50 साल पहले ये सिस्टम आया और उस समय वहां पर आंदोलन हुए, यही आंदोलन जो ट्रैक्टर मार्च है, ये मार्च अमेरिका के अंदर भी निकले और वहां पर लोग इकट्ठे हुए, लेकिन वो लोग इस आंदोलन इतना दम नहीं दिखा सके और वो लोग सरकार को नहीं झुका सके। और ये जो आज सिस्टम है जो हम इंडिया के अंदर सरकार लाना चाहती है कारपोरेट के दबाव में, ये यूरोप में आ चुका है, यूरोपीय कंट्री हाँ हाँ जब ये कृषि आंदोलन चल रहा था भारत में, तो हमने देखा कि स्पेन में तो इस तरह की नीति भी बन गई जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, और ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा, जबकि यहाँ के किसान MSP उनकी प्रमुख मांग है, उस पर बार बार सरकार जो है कुछ भी आश्वासन देने से बच रही है। सीधे तौर पर मुझे ये भी लगता है कि ये लड़ाई किसानों की, जैसा आपने कहा, जैव विविधता, अपनी फसलों की, अपनी फूड सिक्योरिटी, फूड सॉवरेनिटी की है, वो डर भी है किसानों को, और वो सही तौर मायनों में जो पारंपरिक फसलें हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी खेती को कायम रखना चाहते हैं, और शायद ये वही लड़ाई है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आने वाले समय में 9 अगस्त आ रहा है, एक जमाना था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी
तो क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को था, और अब एक बार फिर से इस तरह के भाव देखने को मिल रहे हैं इस किसान आंदोलन में कि क्विट कॉर्पोरेट्स, क्विट इंडिया कॉर्पोरेट जो है वो इंडिया को छोड़कर जाए। तो क्या आप कुछ समानताएं देखते हैं, और क्या संयुक्त किसान मोर्चा इस तारीख में भी कुछ अपनी आगे स्ट्रैटेजी बढ़ाएगा, कुछ सोच रहे हैं? अरे शायद आपको याद होगा कि ये कानून पिछले साल 5 जून को आने के बाद अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो एआईकेसी है हमारे पूरा जो 250 किसान संगठनों का एक हमारा समूह है, पिछले साल 9 अगस्त को इसी 3 कानूनों के खिलाफ कारपोरेट भगाओ देश बचाओ को लेकर लगभग पूरे देश के हजारों जगहों पर लोगों ने गांव में कोविड था उस कोविड में गांव में सड़कों पर अपने घरों के ऊपर लोगों ने ये स्लोगन लगाकर इस 9 अगस्त को कारपोरेट भगाओ खेती बचाओ को नारा दिया था। और इस बार भी अब ये 9 अगस्त को और 15 अगस्त भी है, इस पे संयुक्त मोर्चे के आगामी जो अभी तो संसद चल रही है इसी दौरान संयुक्त मोर्चे की बैठक के अंदर 9 तारीख का अवश्य कार्यक्रम होगा कि कारपोरेट भगाओ देश बचाओ। अगर कारपोरेट भागेगा तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो खेत बचेगा, और खेत बचेगा तो गांव बचेगा, और गांव बचेगा तो भारत बचेगा। भारत की जो आत्मा है वो गांव में है, तो गांव को बिल्कुल, जैसे बचाने कि के लिए गांधी जी भी खेती कहते बचाना थे कि जरूरी है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आप सब पर सरकार की तरफ से ये तमाम आरोप लगातार लग रहे हैं। कोई कृषि मंत्री कहते हैं कि ये आंदोलन निरर्थक है, फिर कहा जाता है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि जब कॉर्पोरेट्स आएंगे तो वो तो बेहतर दाम देंगे। ऐसा आपके मन में संशय क्यों है कि अच्छे भाव नहीं मिलेंगे? तो ये तमाम तरह की बातें हैं सरकार की अपनी तो तर्क और अपनी दलीलें अगर हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात को एग्री करते हैं और आदरणीय तोमर जी की बात को एग्री करते हैं। अगर कानून अच्छे हैं तो इन कानूनों को लेकर इनके विधायक इनके मंत्री गांव में क्यों नहीं जाते, क्यों तो लोगों को समझाने में सक्षम नहीं है? अगर इतने अच्छे थे तो जाए लेकर गाँव के अंदर और किसानों से कहें हम आए आपके बीच में चर्चा करने के लिए, और ये कसून आपके लिए जो है किसान के हित के हैं, और ये जो चंद लोग बैठे हैं आपको गुमराह कर रहे हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी, हम कह रहे हैं किसान नेताओं से छोड़ दो, आप गांव के एक आम किसान से इन 3 कानून पर चर्चा कर लो बैठकर, वही बता देगा कि कानून के किसान के हित के हैं या नहीं है। मगर अगर तजिन्दर नहीं है जी तो एक बात जनता अपने बताएं, विधायकों को अगर भेजे जनता के बीच में। आज की बात करें तो इतना जबरदस्त बॉयकॉट हो रहा है बीजेपी सांसदों का, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और बहिष्कार हो रहा है जबरदस्त तरीके से, आपको कैसे लगता है कि सबके बीच वो जनता के बीच जाकर इसको समझाने की कोशिश कर भी पाएंगे? ये तो सरकार दावा कर रही है, जब तोमर जी से सवाल कर रहे हैं कि देख किसान समझ नहीं पा रहे हैं, चलो हम नहीं समझ पा रहे हैं, नेता बैठ गए हैं, लेकिन आम जनता को समझाने में क्यों ये फेल है सरकार? अगर ये इतने थे कानून अच्छे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसानों को क्यों नहीं समझा सके, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के अंदर बुरी तरह से हारे, अगर इतने अच्छे कानून थे लोगों को क्यों नहीं समझा सके? तो अब उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव है, अगर इतने अच्छे कानून है तो फिर किसान खिलाफ को खड़ा है? ये सरकार तोमर जी की अपनी नहीं है, तोमर जी की तो एक तोते की भूमिका में है, वो तो जितना पीछे से उनको पढ़ाते हैं उतना बोलते हैं, तोमर जी के पास कोई ताकत नहीं है। अगर मंत्रियों के पास ताकत होती तो 12 मंत्रियों को हटाने की आवश्यकता सरकार को नहीं थी, वो तो एक 12 मंत्रियों पे गाज गिर गई, ताकत सिर्फ 2 हाथों के पास है, अडानी अंबानी और अमित शाह और मोदी जी, ये देश को चला रहे हैं और देश को गिरवी रख दिया। तो आज किसान जो है आज इनके बहकावे में तोमर जी के आने वाला नहीं है। अगर किसान भटका हुआ था या असली किसान नहीं है तो संसद से 200 मीटर दूर जंतर मंतर पर किसानों को अनुमति क्यों देते हैं जाने के लिए? अगर ये किसान नहीं है, अगर ये मवाली हैं तो इनको जगह क्यों देते हैं वहां पर जाने के लिए? रोक दे दिल्ली की सरहद पर बैठे हैं, बोले फर्जी किसान है, आप ये बिल्कुल नकली ठीक कह रहे किसान हैं है, कि इनके सरकार लिए की हाँ अलग इनके अलग स्टेटमेंट्स में ये कॉन्ट्रडिक्शन एकदम निकल कर सामने आ रहा है। जनता बेहतर तरीके से इसका आकलन करे। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जो किसान संसद लग रही है पैरेलल, और जो मॉनसून सेशन चल रहा है, आपको क्या लगता है अभी तक भी उस मॉनसून सेशन में पेगासस जासूस कांड के कारण अभी तक कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, जबकि आपने जैसे खुद ही कहा कि पीपल्स व्हिप दिया था कि आप जो पार्टियां हैं वो वॉकआउट ना करें और इसी मुद्दे पर बातचीत करें, अब आपको क्या आसार नजर आते हैं? नहीं बिल्कुल, जहां तक हमने देखा आज भी राज्यसभा के अंदर जब बहस हो रही थी मंत्री, तो लगातार जो किसान पक्ष में तमाम पार्टियों को लोगों ने लगातार नारेबाजी हो रही है, सदन
चल तो रहा है, लेकिन बहुत सारा जो गोदी मीडिया है वो सामने चीजें लेकर ना आ रहा हो, लेकिन जो तमाम सोशल मीडिया है उसके अंदर सामने आ रहा है कि सदन के अंदर आज पॉलिटिकल पार्टियों को व्हिप जारी होने के बाद और किसान आंदोलन की वजह से आज जो पॉलिटिकल पार्टियां चुप थी, जो मौन थी, उनको बोलना पड़ा है और मुखर होना पड़ा है इस किसान आंदोलन पर, क्योंकि बिना किसान आंदोलन की बात किए किसानों की उपेक्षा से भले कोई भी राजनीतिक दल हो वह सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि 55% या 56% या 52% जो किसान है इसके बिना इस देश की राजनीति के अंदर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो देश के किसान की बात करनी होगी और इसके बिना देश तक राजनीति है नहीं चल सकती, देश को भी समझना पड़ेगा। जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है तजिंदर जी, कुछ नेटवर्क इशू है। बहरहाल जो मुख्य मुख्य बिंदु थे इस बातचीत के वो सामने आ गए हैं और मैं चाहूंगी कि दर्शक खुद ही इसका फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत, और जो आने वाला मिशन यूपी उत्तराखंड जो लॉन्च किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने, अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि उसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी नजर आती है और क्या वो किसानों के मन मुताबिक है कि नहीं, और किसानों का सही मायनों में विकास होता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।